हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द टियारा टेक शो। फ्रेंड्स, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, यह आप जानते ही हैं कि यह पावर स्टेशन में जनरेट की जाती है। पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट होते हुए हमारे घर तक आती है। बीच में सब स्टेशन भी होते हैं, बट कई बार इस थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में भी फॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन के फॉल्ट्स के बारे में बताने वाले हैं। उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने एक प्रोटोटाइप मॉडल को बनाया हुआ है। इस प्रोटोटाइप मॉडल को किस वे से हमने डिज़ाइन किया हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। फॉल्ट क्रिएट होने के बाद फॉल्ट का इन्फॉर्मेशन जो है वो SMS के थ्रू हम सब स्टेशन के इंजीनियर्स को भी कन्वे करते हैं। तो चलिए हमारे इस प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में जानते हैं और किस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो प्रोटोटाइप मॉडल बनाया है थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन फॉल्ट डिटेक्शन का, वो इस तरीके से दिखता है। इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को यूज़ करके बनाया है, लाइक GSM मॉडेम, माइक्रो कंट्रोलर, ऑप एम्प, ट्रांसफॉर्मर एंड कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट को यूज़ करके ये डिज़ाइन किया हुआ है। आपको इसका ऑपरेशन अभी हम बताने वाले हैं, किस वे से ये फंक्शन करता है, डिटेक्शन कॉन्सेप्ट कैसा है, वो सारा एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी हमने पावर ऑन किया है। पावर ऑन करने पे एक डिफ़ॉल्ट मैसेज यहाँ स्क्रॉल हो जाता है। ये फर्स्ट टाइम ही स्क्रॉल होता है, जब भी आप पावर ऑन करेंगे तब वो मैसेज वहाँ स्क्रॉल करता है। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिटेक्शन मोड में चले जाते हैं। जो थ्री फेज लाइन है उसमें का कोई फॉल्ट है या नहीं वो डिटेक्ट करके यहाँ डिस्प्ले करने लगते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, आर ओके, वाई ओके, बी ओके यहाँ बता रहे हैं, टेम्परेचर भी शो कर रहे हैं एंड वोल्टेज भी यहाँ दिखा रहे हैं। यह जो लाइन दिख रही है आर, वाई एंड बी, ऐसी तीन ट्रांसमिशन लाइन यहाँ हमने बनाई हुई है। उसके लिए हमने यहाँ तीन ट्रांसफार्मर्स का यूज़ किया है। जो AC वोल्टेज है उसको हमने थोड़ा स्टेप डाउन कर लिया है और उसे इस सर्किट के थ्रू स्टेप डाउन किया है ताकि हम उसका मेज़रमेंट कर सकें, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो उसको प्रोसेस कर सके, इस लायक उस सिग्नल को हमने बना दिया है। यहाँ एक कंपैरेटर सर्किट का यूज़ किया है। इस कंपैरेटर सर्किट का जो आउटपुट है वह माइक्रो कंट्रोलर को डायरेक्टली फीड किया है। माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम उस तरीके से किया हुआ है, जब भी वो फॉल्ट डिटेक्ट करेगा तो यह GSM मॉडेम में जो हमने सिम लगाया है, इस सिम के थ्रू वो मैसेज जो सब स्टेशन के इंजीनियर्स हैं उनको ट्रांसमिट कर देंगे। इसका इंटरफेसिंग हमने माइक्रो कंट्रोलर से ही किया हुआ है और यहाँ ये कंटिन्यूसली टेम्परेचर एंड वोल्टेज भी दिखाते रहता है। उसके लिए इस माइक्रो कंट्रोलर का हमने एम्प्लॉय किया है। माइक्रो कंट्रोलर के साथ में ADC IC है, मेमोरी IC है, रिले ड्राइवर IC का भी हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो सभी ICs का फंक्शन भी आपको यहाँ पर बताएंगे और अभी एक ऑपरेशन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे यह फंक्शन करता है, रिले कब ऑपरेट होता है, बजर कब एक्टिवेट होता है, ये सारी डिटेल्स अभी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बेसिकली दो टाइप्स के फॉल्ट्स होते हैं, एक लाइन टू अर्थ एंड लाइन टू लाइन। ये फॉल्ट यहाँ अभी हम आपको क्रिएट करके बताते हैं। जैसे अभी हम आपको लाइन टू अर्थ फॉल्ट क्रिएट करके बताते हैं, ये एक तरीके से ओपन सर्किट फॉल्ट भी हम इसे कहते हैं। देखिए YOC/LE मीन्स ओपन सर्किट लाइन टू अर्थ फॉल्ट यहाँ पे वो डिस्प्ले कर रहे हैं। अब ये जो GSM मॉडेम है ये मैसेज भी भेज दिया है इसने, ये हमने एक मोबाइल में उसको रिसीव किया है, वहाँ डिस्प्ले करने लग गया था। हम इसे अब फिर से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम उसको कनेक्ट करेंगे ROK, YOK एंड BOK आ गया है। तो ये पहला फॉल्ट अभी हमने आपको यहाँ पर करके दिखाया हुआ है। वैसे ही ये जो दो लाइंस में शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है, जब हम यहाँ पे आपको शॉर्ट सर्किट क्रिएट करके बता रहे हैं, आप देखिए आपको स्पार्किंग भी दिख रही है, तब यहाँ पे Y एंड R शॉर्ट सर्किट लाइन टू लाइन फॉल्ट ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं LCD में। सेम यही मैसेज GSM मॉडेम के थ्रू जिस नंबर पर हमने प्रोग्राम किया है वहाँ पर वो मैसेज ट्रांसमिट हो जाएगा SMS के फॉर्म में और यहाँ पर वो दिखने लगेगा। आप देख सकते हैं जो फॉल्ट हमने इसके पहले भी क्रिएट किए थे वो मैसेज भी यहाँ पे दिख रहे हैं, R एंड Y SC फॉल्ट लाइन टू लाइन फॉल्ट यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस वजह से ये दो फॉल्ट्स अभी हमने यहाँ पे आपको क्रिएट करके बताएं। बेसिकली ये दो फॉल्ट्स ही यहाँ होते हैं। अब इसके बाद जनरली क्या होता है कि जब ट्रांसफॉर्मर ओवर हीट हो जाता है ओवर लोडिंग कंडीशन की वजह से, उस टाइम पर भी हमें
फॉल्ट डिटेक्ट करते आना चाहिए। वो कंडीशन भी अभी यहाँ हम आपको क्रिएट करके बताते हैं। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जब हीटअप होती है तो उस टाइम ट्रांसफार्मर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। वो फॉल्ट भी हम यहाँ मेज़र करके डिटेक्ट करके सब स्टेशन के इंजीनियर्स को मैसेज भेजने वाले हैं। आप देख सकते हैं टेम्परेचर हम राइज कर रहे हैं। जैसे ही टेम्परेचर 80 डिग्रीज क्रॉस कर गया, ट्रांसफार्मर हीट फॉल्ट यह डिस्प्ले में शो हो रहा है और यहाँ पे वह बजर भी एक्टिवेट हो जाता है। साइमल्टेनियसली वो मैसेज भी ट्रांसमिट कर देता है, मैसेज भी सेंड कर देता है। इस तरीके से अभी आपको हमने तीन फॉल्ट्स यहाँ पे दिखाए हैं। वैसे ही हाई वोल्टेज लो वोल्टेज फॉल्ट भी क्रिएट करके आपको बताने वाले। इसके पहले आपको ये बता देते हैं कि ये जो तीन ट्रांसफार्मर है, इस तीन ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हमने सिग्नल को स्टेप डाउन किया है और उसको यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क लगा के और थोड़ा सा कम कर दिया है, सो दैट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वो कंपैरिजन कर पाए। कंपैरिजन करने के लिए हमने ऑप एम्प का यूज़ करके जो सिग्नल्स हमको मिलने वाले हैं उसको कंपेयर किया हुआ है। जो ये तीन ट्रांसमिशन लाइन्स आपको दिख रही है, इस लाइन में से जैसे यहाँ पे शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है, आप देखिए फिर से एक बार हम शॉर्ट सर्किट क्रिएट करके आपको बता रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो जाता है, जो कंपैरेटर का सिग्नल है वो हमें 0-0 मिलने लग जाता है। यह जो कंपैरेटर सर्किट है, इस कंपैरेटर सर्किट में हमने ऑप एम्प का यूज़ किया है, LM324 इस ऑप एम्प का यूज़ किया है। इसका आउटपुट जो है वो डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट 1 में हमने इंटरफेस किया है और उसको इस तरीके से प्रोग्राम कर दिया है कि वहाँ पर हम स्टेटस चेक करते हैं। जैसे ही हमें फॉल्ट डिटेक्ट होता है, इस मॉडेम के थ्रू हम SMS ट्रिगर करते हैं। जिस नंबर पे SMS जाना चाहिए वो भी हमने यहाँ पे प्रोग्राम करके रखा हुआ है। जब भी ट्रांसफार्मर हीट फॉल्ट डिटेक्ट होता है उस समय ये रिले एक्टिवेट होता है और उसके साथ में ये बजर को भी एक्टिवेट कर देता है। इस साइड में पावर सप्लाई सेक्शन है जिसमें रेक्टिफायर, फिल्टर एंड रेगुलेटर IC का हमने यूज़ किया हुआ है जो 5 वोल्ट जनरेट करके देता है। यहाँ हमने LM35 टेम्परेचर सेंसर का यूज़ किया है जस्ट फॉर डेमोस्ट्रेशन पर्पस। एक्चुअल में वहाँ RTD का यूज़ किया जाता है। यहाँ हमने एक ADC यूज़ किया है MCP3202, उसमें हम टेम्परेचर सेंसर का आउटपुट एंड वोल्टेज का मेज़रमेंट कर रहे हैं। ये सारा जो मेज़रमेंट होता है वो फिर यहाँ डिस्प्ले भी होने लगता है। अब आपको एक लो वोल्टेज फॉल्ट क्रिएट करके बता रहे हैं। जब कभी भी AC वोल्टेज 180 वोल्ट्स के बिलो चले जाता है उस टाइम पे लो वोल्टेज फॉल्ट क्रिएट होता है और उसका SMS भी सब स्टेशन के इंजीनियर्स को मिल जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 170 वोल्ट्स करीब कुछ शो कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे लो वोल्टेज फॉल्ट क्रिएट हुआ है। सिमिलरली हाई वोल्टेज फॉल्ट 260 वोल्ट्स के अबो जब AC वोल्टेज चले जाता है तब हाई वोल्टेज फॉल्ट क्रिएट होता है और वो वाला इन्फॉर्मेशन भी हम सब स्टेशन के इंजीनियर को बता देते हैं या कन्वे कर देते हैं, सो दैट विद इन ए टाइम वो एक्शन लेके ट्रांसमिशन लाइन के फॉल्ट्स को रेक्टिफाई कर दे और फर्दर डैमेज होने से बचा सके। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमारा प्रोटोटाइप मॉडल वर्क करता है। इसका सर्किट डायग्राम भी हम यहाँ आपको बता रहे हैं, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू।